यहां पर भी वही काम करना है। अब यहां पर देखेंगे तो भाई ये जो इक्वेशन दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहां पर देखो पहले इससे पहले देखा था वहां पर भी दो टर्म थे लेकिन वहां पर कांस्टेंट टर्म गायब था और यहां पर एक सॉरी जो टी वाला टर्म है वो गायब हो, तो यहां पर भी दो टर्म है तो अब को करना वही काम है, या तो कॉमन लो या कोई आइडेंटिटी का यूज करो, क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप लगा नहीं सकते क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए आपके पास होने चाहिए तीन टर्म, यहां पर तो दो ही टर्म है। अब यहां पर देखेंगे वहां पर तो कॉमन हो गया था, यहां पर कोई चीज कॉमन नहीं है, अब कॉमन तो है नहीं तो हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं, पहला यहां देखेंगे टी स्क्वायर माइनस ये 15। अब देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता तब हमारी आइडेंटिटी हो जाती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, अब ये 15 तो भाई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं और दूसरा कोई फंडा नहीं है कि हम इसको इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सके, तो हम क्या करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर बोले तो जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन अगर 15 को देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो क्या करेंगे उसके ऊपर लगाओ रूट और रूट का कर दो स्क्वायर। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे इस 15 को लिख देंगे क्या माइनस रूट ई 15, मतलब नंबर के ऊपर रूट लगाया उसका कर दिया स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का हो गया, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का हो गया है तो यह इक्वल होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, ऐसा ऐसा, तो यहां पर लगा देंगे तो हो जाएगा टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, दो फैक्टर की जरूरत थी, दो फैक्टर हमें मिल गए हैं, जब दो फैक्टर मिल गए हैं तो इनसे हम जीरोज निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे कि पहले फैक्टर को हम जीरो के इक्वल करेंगे और यहां से टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो भाई 15 आ जाएगा क्योंकि माइनस में था प्लस में आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है टी प्लस रूट 15, इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे और टी की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस रूट 15 हो गया। तो भाई जीरोज आप पॉलीनोमियल के लिए क्या करते हैं, हम इनके फैक्टर को जीरो के इक्वल करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो दो वैल्यू मिल गई टी की तो यहां से जीरोज क्या हो जाएंगे अल्फा, टी की पहली वैल्यू अल्फा हो जाएगी रूट 15 और बीटा हो जाएगी माइनस रूट 15, अल्फा और बीटा मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है इनका वेरिफिकेशन करना है तो कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो कंपेयर कर देते हैं इसकी, तो लिखते हैं क्या कंपेयरिंग गिवन पॉलीनोमियल बाई ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे, टी में इक्वेशन है तो टी से कंपेयर करेंगे। तो भाई वही कंपेयर करने का एकदम सिस्टम जानते हैं, स्क्वायर वाला टर्म ए टी स्क्वायर ए का कोएफिशिएंट सॉरी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और यहां पर देखेंगे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो भाई ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी टी लिखा है टी वाला कोई टर्म ही नहीं है तो भाई टी का सॉरी जो बी है इस बी की वैल्यू हो जाएगी 0 और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा माइनस 15 के, ए बी सी मिल गया कोएफिशिएंट मिल गया। अब हम लिखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या निकाले थे रूट 15 और बीटा की वैल्यू क्या निकाले थे माइनस रूट 15 और इधर माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 बाई 1,
इधर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रूट 15 से रूट 15 को माइनस करेंगे ये जीरो आएगा, और जीरो से वन को डिवाइड करेंगे ये भी जीरो आ जाएगा। तो एल एच एस इक्वल टू आ गया आर एच एस के, ये हो गया। दोबारा देखेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, यह होता है सी बाई ए के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट 15 इंटू में आएगा बीटा माइनस रूट 15 ये दे रखा है, और सी की वैल्यू क्या है माइनस 15 और ए की वैल्यू क्या है 1। अब रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 15 और ये भी आ जाएगा माइनस 15, दोनों हो गए इक्वल। तो इनका वेरिफिकेशन हो गया कंप्लीट, ये हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के, लास्ट में आपका हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हो गए कंप्लीट, एक पार्ट और बचा होगा, इस पार्ट में इसको ही सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, काम एकदम वैसे ही करना है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म 4 और ये 3, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 आ जाएगा, 12 के फैक्टर करना है। यहाँ पर देखो इस 3 टर्म है तो इसको हम सॉल्व करेंगे वैसे ही मेथड से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही सॉल्व करेंगे। तो 4 3 या 12, 4 से 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो भाई इक्वेशन थी आपकी ऐसी 3x² माइनस एक्स था माइनस 4 था, और हमने क्या किया इस माइनस 1 को हमने लिख दिया 4 - 3 और बाहर x माइनस 4, क्योंकि देखो यहां पर 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 से 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो भाई यहां से इसके बाद क्या करेंगे 3x² लिखेंगे, माइनस 4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x, तो अंदर हो जाएगा 3x माइनस 4 और इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 3x माइनस 4 और ये कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4 और बचेगा क्या x प्लस 1। जब दो फैक्टर मिल गए हैं तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो लिखेंगे क्या फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ये x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा जो फैक्टर था वो x प्लस 1 था, इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, तो दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू से ही जीरोज मिल गए जाएंगे आपको। तो यहाँ से लिखेंगे क्या जीरोज अल्फा इक्वल टू x की जो पहली वैल्यू है, बीटा जो है एक्स की जो दूसरी वैल्यू, अल्फा बीटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बार देखेंगे क्या यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी 3 और बी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 जरूर होगा, माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू हो जाएगी -4। इसके बाद लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई के इक्वल, तो अल्फा और बीटा का वेरिफिकेशन करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा बीटा और इधर क्या करेंगे आप बी और ए की वैल्यू रखेंगे। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, माइनस ब्रेकेट में लिख देंगे, इक्वल में जाएंगे माइनस बी, बी की वैल्यू भी -1 है ब्रेकेट में रख देंगे, ए की वैल्यू है 3। तो भाई यहाँ पर देखेंगे ये 4/3 हो जाएगा, प्लस माइनस -1/1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 हो गया। यहाँ 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा,
तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये 1 बाई 3 आया, 4 से 3 जाएगा 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3, दोनों इक्वल आ गए। तो ये LHS इक्वल टू आ गया RHS के, तो यहां लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल हो गए। अब दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए के इक्वल, अल्फा की वैल्यू 4 बाई 3 और बीटा की वैल्यू है -1। यहां से देखेंगे सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 3, और ये हो जाएगा 4 बन जा 4 बाई 3 -4 बाई 3। तो यहां से देखेंगे LHS भी इक्वल आ गया है RHS, और या इसका भी वेरिफिकेशन हो गया कंप्लीट। ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 6 पार्ट थे, 6 पार्ट इस वीडियो में हो गए कंप्लीट। बाकी के बचे क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।